ये ध्यान से देखिए हमारी त्रिमूर्तियाँ, देखो ये देखो। अरे आप शादी रहने चाहिए ना, क्या पता है, बोलो ना बोलो ना, हाथ खड़े करना जब ना। बाबा निराला काशीपुर वाले की जय, जय हो बाबा जी के। देखो कहीं शुद्धिकरण ना करवा दें। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मैं हूं शुभ रॉक और आप देख रहे हैं ब्लॉकबस्टर। और जैसा कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज श्रुति जी जा रही हैं जयपुर आश्रम 3 की शूट के लिए, तो उसके लिए यहां पर ये ट्रेन लगी हुई है। बस थोड़ी देर में ये डिपार्चर होने वाली है यहां से। और ये है श्रुति जी, मास्क उतारिए। श्रुति जी हैं, इनको आप सब बेस्ट विशेस दीजिए कि अच्छे से किला फतेह करके आए आश्रम का। और इंदु जी हैं हमारे साथ, पिछले आश्रम में भी इनको आपने देखा होगा। और सुभाष जी ये भी जा रहे हैं साथ में। यहाँ से टोटल 19 पीपल जा रहे हैं जयपुर आश्रम 3 की शूट के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ तक का ब्लॉग तो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ से आगे ओवर टू श्रुति जी करेंगे। अभी ट्रेन चलने दीजिए थोड़ी देर में। और बंधु जी सो एक्साइटेड फॉर आगे भी, अगर कंटिन्यू देखनी है तो देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपका, मिलती रहेंगी बराबर। अभी तो एक महीना लगेगा लगभग। और सबसे जरूरी, अगर पूरी वीडियो देखनी है तो पूरा जरूर। और सबसे जरूरी बात, कंटिन्यू अपडेट के लिए आपको पता ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। धीरे धीरे जितने भी सदस्य हैं इस ग्रुप के आ गए हैं यहाँ पर। और ये हैं पीछे, सब तैयारी कर रहे हैं, ट्रेन जल्दी छूटे सब इंतजार कर रहे हैं। बंधु जी क्या कहना है आपका इस ट्रिप को लेकर, क्या एक्साइटमेंट है? हमारा एक्साइटमेंट ऐसा है कि सभी लोग फुल एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और एंजॉय करने के लिए राजस्थान जयपुर जा रहे हैं। और थर्ड वेब सीरीज जो आश्रम भी का मुहूर्त टू मुहूर्त गणेश पूजा में होने जा रहा है, सभी को शुभकामनाएं हमारी। जय हिंद जय भारत। चैनल के लिए कुछ कहेंगे? और आपका चैनल ऐसे ही बढ़ते रहे और सब लोग देखते रहे और सबसे वन नंबर पे आए। धन्यवाद। ओह क्या बात, इससे अच्छी ब्लेसिंग आप भी दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, अब तक कैसा लगा है, आगे तो अच्छा ही लगेगा। और बस अभी और भी चीज़ें हैं, कवर करते रहेंगे, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। बस वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, एंड तक देखना जरूर। तो जयपुर में ट्रेन का सफ़र करने का कुछ अलग ही मज़ा है। हम लोग फ्लाइट से भी जा सकते थे एक्चुअली, बट हमने प्रेफर किया ट्रेन, क्योंकि प्रोडक्शन का थोड़ा पैसा बच जाए और इनको पूरे दिन का मज़ा भी आ जाए। ये वर्षा है, इनको भी आपने देखा होगा आश्रम के पहले दूसरे पार्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुल सेवादारनी है बाबा जी की। और आगे भी देखेंगे, क्योंकि वही करने जा रही, शूट पे ही जा रही है। वर्षा क्या कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ? कहना ये चाहती हूँ कि इतने टाइम बाद हम लोगों को ये टाइम मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से घूमेंगे, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, इनका भी सपना पूरा करते हैं। और सपना पूरा हो जाएगा और धीरे धीरे सबकी ख्वाहिशें पूरी होंगी।
पिटारा वाला सर खाने का पिटारा लेके आए हैं। देखिए सस्पेंस है इनका, एक बैग सिर्फ और सिर्फ खाने का भरा है, सामान ही भरे पूरा। ये देखिए सस्पेंस खुल रहा है, देखिए क्या है इस पिटारे के अंदर। खुल रहा है अभी, पूरा एक बैग खाने का ही सामान है। ये सर देखिए खाने का सामान खोल रहे। ओ माय गॉड, लीजिए आप खाने के बाद। आप क्या बात, क्या बात, ये मीठा है देखिए, ये लड्डू, ये देखिए ड्राई फ्रूट लड्डू। हेलो, आज मैं पूजा करके आई हूँ ना, इसलिए लड्डू मिला। हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं, काफी थक चुके हैं वैसे। अब हम लोग थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, देन नेक्स्ट ट्रेन है जयपुर की। ये देखिए हमारे बैग। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुके हैं और यहाँ पे रेस्ट करेंगे, थोड़े मस्ती करेंगे। अब देख कर टांग खिंचाई करने की टाइम आ गया है, तो अभी कुछ खाएंगे पीएंगे। फिलहाल तो मुझे भूख लगी है बहुत तेज से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को स्किप किया है तो प्लीज़ 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 पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो, कल की वीडियो में जान आ जाएगी। अभी तक अगर वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ बोलना चाहती है? हाँ, सुबह से हम लोग निकले एंजॉय टू ट्रिप के लिए, मस्ती होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन शक्ल की बैंड बज चुकी है फिलहाल तो। ट्रिप की बैंड बजी है, हमारी जरूर बजेगी आराम से। ये ध्यान से देखिए हमारी त्रिमूर्तियाँ, देखो ये देखो, अरे आप क्या पता है, बोलो ना हाथ खड़े करना जब ना। बाबा निराला काशीपुर वाले की जय, जय हो बाबा जी के। देखो कहीं शुद्धिकरण ना करवा दें। हमारे मामा जी आश्रम में ही नहीं, मामा के नाम से फेमस हो चुके। ये इनका एक्चुअल नेम सुभाष है, सुभाष मिश्रा। इनको लोग सारी लड़कियां मामा नाम से फेमस करती, बताओ बेचारे इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी, बताओ इतने कम उम्र में ही मामा बन गए। कुछ बताएंगे आप लोग इस ट्रिप के अबाउट? ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। अमित बराना, यो। ये है हमारे यश भैया जो कि जिम ट्रेनर भी हैं, एंड ये हाँ इन लोग आर्टिस्ट भी हैं, तो इन लोग कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। बस सब बढ़िया, और कुछ मुझे बहुत लोग बोले सुनते तो पहले दुबली हो गए, उन लोग बोले मैं हेल्दी हो गई, मोटी तो हो गई हो, मोटी हो गई हो, मोटी हो गई। क्या बात, ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग का काम है। अरे नहीं, हाँ सच में बहुत दिनों बाद, सालों बाद शायद मुलाकात ही कभी थे। दो साल हो रहे हैं, दो साल हो रहे हैं, दो साल हो रहे हैं। यहाँ पे कितना मोटा हो गया आज? तो मैं दो साल ही हूँ यार, एक साल वो बहुत तब से अब मिल रहे हैं, सबका हुलिया ही चेंज हो गया है। एक लोगों का हुलिया नहीं चेंज हुआ, आकाश तिवारी। ये जो कि खा खा के मोटी हो गई वो।
आकाश तिवारी जैसा था वैसे ही मिलेगा, लेकिन हाँ यश भैया चेंज हुए हैं और अमित जी चेंज हुए हैं, कुछ लोगों का फेस जैसा था वैसे के वैसा है, जैसा भी रश्मि भर का चेंज ही नहीं है हमारे, लेकिन एक है धर्मेंद्र भैया, इनका हुलिया चेंज हो गया है, पहले से दुबले हो गए, पहले से दुबले हो गए, ज्यादा नहीं हुआ है, ये हमारे डॉन भाई साहब फैजाबाद के सिक्योरिटी गार्ड मुस्तंडे आर्मी जवान गबरू जवान क्या बोलूं मैं इनको, ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमें प्राउड है ऐसे लोगों के। आइए 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 सब लोग आइए सब लोग आइए सब लोग आइए, वेरी गुड बहुत बढ़िया, हमें प्राउड है, आश्रम आपका वेट कर रहा है, आप अपना इंटरव्यू कुछ देंगे कुछ बोलना चाहेंगे जी, इनके लिए ये चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और सबसे ज्यादा लाइक करके इनको टॉप पोस्ट पे लेके आ जाओ, टॉप पोस्ट वन पे लेके आइए ये चैनल को, ऐसे हमारी शुभकामना है, ये आपका ब्लेसिंग भगवान करे हमारे पे लग जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, गाड़ी शून्य 4 8 5 भूख लगी है, क्या किया जाए भाई, पेट तो पेट है, पहले पेट पूजन बाकी काम पूजन। चलिए मैम, तो हे गाइस हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, अब हम लोगों की नेक्स्ट ट्रेन है जयपुर, रात को 12:12 पे है, तो अभी थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे फिर देन कुछ खाएंगे पिएंगे देन सोएंगे, फिर आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।